नहीं पुत्र, अब संतोष सीरत को ये कहती है कि सच में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, सच सच ही होता है। और माँ की ऐसी हाल देख सीरत भी रो पड़ती है। रो मत पुत्र, मैं तेरे ब्याह में नहीं होंगी तो क्या हुआ? मैं तुझे वो कुर्सी आशीर्वाद दे दूंगी। कहते हैं जिनकी अरमान पूरे नहीं होते ना धरती पर, उनकी आत्मा भटकती रहती है। मेरा एक ही अरमान था मेरे पुत्र का ब्याह देखना। ओ सीरत, तुझे दुल्हन बने देखना। लेकिन अब लगता है कि तुम लोग बस अब मेरा कफन देखोगे। और जहाँ सब हैरान है, वहीं कीरत को माँ की बातों से होती है हैरानी। पर उधर अंगद और मनबीर भी परेशान नजर आते हैं ये सब सुनकर। प्लीज ऐसा मत बोलो ना प्लीज। मुझे पता है तू मेरे बगैर ब्याह नहीं करेगी ना। नहीं करेगी ना पुत्र। स्माइल। दुनिया देखी है मैंने, लेकिन बाय गॉड ऐसी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस पहली बार देख रही हूँ। पर जसलीन और तुरंत बेबी के पास जाती है और बोलती है कि उसको संतोष की हालत ठीक नहीं लग रही और डॉक्टर ने भी तो कहा है ना, तो ऐसे में उनकी एक साल बाद ब्याह करने वाली जिद सही है क्या? और आगे बोलते चली जाती है कि दुनिया देखी है उसने और कोई भी जिद इंसानियत से तो बड़ी नहीं होती। और बोलती है कि जिनसे उनका रिश्ता जुड़ने जा रहा है उनसे उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। इतना खुशी का माहौल था ना, और एकदम से ये सब। और बस गुरलीन बोल पड़ती है कि उन्हें जल्द से जल्द अंगद और सीरत की शादी करा देनी चाहिए। और जहां सीरत की डोर तो और कहीं बंधा है, उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। पर जसलीन गुरलीन से सहमत होती है ये बोलकर कि अब उन्हें ये फैसला लेने में देर नहीं करनी चाहिए कि जल्द शादी करवा दे। और बस एक बार और संतोष ने अपनी बात मनवा ली, चाहे वो बीमार होकर ही हो। अब कैसे होगा शादी की सभी तैयारियां सिर्फ 3 दिन में? देखते रहिए संतोष और क्या गुल खिलाती है तेरी मेरी डोरियां की लेटेस्ट अपडेट्स में सिर्फ कंप्लीट बॉलीवुड पर।